हेलो फ्रेंड, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे COPP के बारे में। और हमारा जो अगला टॉपिक है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग। तो आज हमारी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड यूनिट 5 जो है टोटली आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के साथ। तो आइए बात करते हैं COPP के बारे में। COPP है, इसको हम जो है COPP को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, एग्जाम में हर साल जो होता है 7 मार्क्स में आता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं COPP होता क्या है। मैं आपको समझा देता हूँ एकदम मोटे तौर पे। इसमें क्या होता है कि पहले आपको पता है किसी भी आप ड्रग की पहले क्या करेंगे, डिस्कवरी करेंगे, डेवलपमेंट करने के बाद क्या करते हैं, इसका क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद आप क्या करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, मार्केट में ड्रग को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी किए और फिर इसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल किए। प्री क्लिनिकल ट्रायल हमेशा एनिमल के ऊपर होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और जो क्लिनिकल ट्रायल होता है यह ह्यूमन के ऊपर होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब मार्केट में हम ड्रग को पहुंचाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, पहुंचाने के लिए अब हमें क्या होता है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मार्केट में मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए क्या हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं COPP बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हमने किया प्री क्लिनिकल स्टडी, फिर क्या क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया, फिर हमने क्या किया CDSCO सर्टिफिकेट को इससे सर्टिफाइड किया जो हमारा ड्रग था। अब इसको क्या करना, हमें ड्रग हमारे कंट्री में बन गई, अब इसको क्या करना, हम दूसरे कंट्री में इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें जो सर्टिफिकेट चाहिए उसी को बोलते हैं हम COPP बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक कंट्री, यहाँ पे हमारी ए कंट्री है, कंट्री ए है, और यहाँ पे हमारी कंट्री बी है। कंट्री ए से बी तक के जो ड्रग का इंपोर्ट करते हैं, ड्रग को इंपोर्ट करते हैं ए से बी के लिए, तो इसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसको हम बोलते हैं COPP बोलते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम बात करते हैं जो हमारा ए सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, इसको सर्टिफाइड कौन करता है, WHO करता है। ठीक है, ये WHO जो कहेगा यह उसी गाइडलाइंस को फॉलो करने का काम करेगा। ठीक है, अब इसका एम देख लेते हैं। एम हमारा यही है कि ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ड्रग। यह क्या करता है कि जो ड्रग के इम्पोर्ट के जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। और यह क्या करता है कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की और उसकी जो सेफ्टी है ड्रग की, उसको उसकी लेवल को इनक्रीज करने का काम है, यही इसका मेन एम है। ठीक है, अब इसके स्कोप के बारे में देख लेते हैं। स्कोप के बारे में यही है कि यह क्या करता है कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, टाइम टू टाइम रिन्यूअल करने का काम करेगा। कि मतलब कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो यही इसका स्कोप है, आप यहां से इसको देख के लिख सकते हैं, कुछ इसमें करना नहीं है। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसकी इंस्पेक्शन कौन करता है। ठीक है, जो हमारा COPP है, ठीक है, ये जो इंस्पेक्शन कब किया जाता है, जब हम क्या करते हैं किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, उस दौरान क्या करता है, जो हमारा DRA होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, यह क्या करता है, उसको इंस्पेक्शन करने का काम करता है। अब इसके टाइप के बारे में देख लेते हैं। तो यह हमारा जो है टोटल 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला जो हमारा टाइप आता है WHO 1975 टाइप COPP। ठीक है, और जो हमारा सेकंड आता है ये हमारा है WHO 1988 टाइप COPP, और हमारा जो थर्ड आता है यह हमारा है WHO 1992
टू टाइप्स यूपीपी। तो एक एक के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इसको आपको जरूर से देखना है। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सीओपी इशूड बाय एक्सपोर्टिंग कंट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड इट स्टेट डैब। ये क्या करता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी अदर कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसको क्या करता है, उसको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे कुछ जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है, स्टेट कौन कौन से इसमें हैं, तो यहाँ पे इसको लिखा गया कि अगर आपके पास क्या है कि जब किसी ड्रग को क्या करेंगे आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसका एक परमिट नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसकी एक डेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट है यह ऑथराइज नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और लिखा गया है द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट कन्फर्म टू जीएमपी, जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है यह जीएमपी के थ्रू क्या करता है, प्रोडक्ट को कन्फर्म करने का काम करता है। यह क्या करता है कि WHO के जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार ही उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसी के अनुसार क्या करेगा, उसको अप्रूवल देने का काम करेगा। फिर हमारा जो अगला टॉपिक आता है, जो हमारा सेकंड टाइप है, WHO 1988 टाइप COP, इसमें क्या होता है, रिगार्डिंग टू दिस टाइप ऑफ COP द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री शुड बी कंटेन। इसमें क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन सी अथॉरिटी, पहला कि जो हमारे प्रोडक्ट रहेगा उसमें ऑल लेबलिंग कॉपीज रहनी चाहिए, ठीक है, और सेकंड क्या रहना चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल इन्फॉर्म इन द ओरिजिन कंट्री, मतलब जिस कंट्री में यह बना है प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा जो अगला जो आता है, यह हमारा है थर्ड वाला टाइप जो है WHO 1992 टाइप COPP। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ COPP इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री अंडर फॉलोइंग टू कंडीशन। इसमें दो कंडीशन के अनुसार ही क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा किसी अलग कंट्री में। पहला हमारा होता है कि इसमें इफ़ एनी क्वेश्चन इज आस्क अबाउट द इम्पोर्ट एंड सेल लाइसेंस। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के इम्पोर्ट और सेल के बारे में कोई क्वेश्चन करना है तो उसको आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सेकंड जो होता है व्हेन लाइसेंस रिन्यूअल, जब आपका लाइसेंस रिन्यूअल रहेगा, स्टैंड रिव्यू और द चेंज इज रिक्वायर, या तो आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कंटेंट या फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं जो हमारा COPP सर्टिफिकेट होता है। तो पहले इसमें होता है हमारा इंपोर्टिंग कंट्री का नाम होता है, एक्सपोर्टिंग कंट्री का नाम होता है, नेम होता है, डोजेस फॉर्म कौन सा है, उसका क्या क्या कंपोजिशन है, किससे मिलकर बना है, कौन कौन API है, कौन API है, कौन से एक्सपिएंट है, ये सब उसमें भरा रहना चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मतलब कि उसका लाइसेंस नंबर क्या है, मार्केटिंग स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसका वह मार्केट में है कि नहीं जिस कंट्री से हो रहा है, ठीक है, लाइसेंस नंबर होना चाहिए, प्रोडक्ट की समरी होना चाहिए। तो ये सब जो होता है, ये सभी कंटेंट और फॉर्मेट उसमें होना चाहिए। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसके अगर PDF नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF नोट्स इसकी मिल जाएगी। अब देखते हैं प्रोसेस टू अप्लाई फॉर ए COPP, कौन कौन से प्रोसेस हैं COPP जो सर्टिफिकेट होता है उसको अप्लाई करने के लिए। पहले क्या करना रहता है, आपको एक फॉर्म नंबर सबमिट करना रहता है, वह जो फॉर्म नंबर होता है 3613B, ठीक है, यह जो फॉर्म होता है उसको सबमिट करना रहता है। फिर उस फॉर्म में क्या रहता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं COPP के फॉर्म में, उसमें क्या होना है, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है सभी भरनी रहती, जैसे इन्फॉर्मेशन ऑन अप्लीकेंट कॉन्टैक्ट, जो अप्लीकेंट है उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है, ट्रेड नेम क्या है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का जेनरिक नेम क्या है, अप्लीकेंट का नंबर क्या है, ये सभी चीज़ें उसमें भरी रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको लिख लीजिए, इसमें जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो एक दो पॉइंट ऐसे बना बना के लिख देंगे तो आपकी कॉपी भी भर जाएगी, ठीक है, तो इसको यहाँ से लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग। पहले भी मैंने बता दिया इसमें क्या क्या होता है, इसकी पहली जो टॉपिक मैंने बताई थी उसमें है,
ठीक है, पहला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें कुछ है। तो इसमें मैं थोड़ा और बता देता हूँ। मैंने बताया कि पहले क्या करते हैं, ड्रग की डिस्कवरी करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, फिर इसकी हम प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं, फिर हम क्या करते हैं क्लिनिकल स्टडी करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं मार्केट में उस ड्रग को लॉन्च करते हैं। जब हम क्या करते हैं क्लिनिकल स्टडी करते हैं, इस दौरान हमें क्या होते हैं कुछ अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आता है NDA का, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, इसको FDA, अगर आप USA से हैं तो FDA को सबमिट करेंगे, अगर आप क्या इंडिया से हैं तो DCGI को सबमिट करेंगे। तो ये DCGI अगर आपकी सभी चीज़ें सही हैं तो ये क्या करेगा, आपको लाइसेंस इश्यू कर देगा, मतलब कि आप क्या करेंगे न्यू ड्रग के लिए, न्यू ड्रग के खोज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो क्या करते हैं इसमें, फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जब हम क्या करते हैं न्यू ड्रग का अप्रूवल हमें लेना रहता है तो कई सारी रेगुलेटरी रिक्वायर होती हैं, ठीक है। यह अलग अलग कंट्री में अलग अलग की रेगुलेटरी रिक्वायर होती है, ठीक है। तो द ड्रग अप्रूवल प्रोसेस वेरियस फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, जो मान लीजिए इंडिया की अलग अप्रूवल लेने की प्रोसेस अलग है और USA की अलग है, ठीक है। तो अलग कंट्री की अलग अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। इन सम कंट्रीज ओनली सिंगल बॉडी रेगुलेट द ड्रग एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटरी टेक सच एज अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग। कुछ जो होती कंट्री होती है इसमें सिर्फ सिंगल बॉडी ही उस ड्रग को रेगुलेट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, न्यू ड्रग विल बी नॉट बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अंडर द परमिशन ग्रांटेड बाय लाइसेंसिंग, जब तक कि आपको आप तब तक किसी ड्रग का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई लाइसेंस ना हो, ठीक है। आपके पास लाइसेंस ना हो, कोई अथॉरिटी ना हो, तब तक आप किसी भी न्यू ड्रग का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास कोई लाइसेंस रहेगा, कोई अथॉरिटी आपके पास रहेगी, तभी आप किसी न्यू ड्रग को मार्केट में उसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ द रोल ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू इंश्योर द क्वालिटी सेफ्टी, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है या क्या इंश्योर करती है क्वालिटी को ड्रग की, उसकी सेफ्टी को, इसकी इफिकेसी को, ठीक है। उसके बेस पे क्या करती है, उस पे आपको अप्रूवल देने का काम करती है। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द ड्रग अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि आपको जिस प्रोसेस से आपने बनाया है ड्रग को, उस प्रोसेस को चेक किया जाता है। आप फिर उसके बाद क्या किया जाता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन को चेक किया जाता है, फिर उस न्यू ड्रग को क्या किया जाता है, प्रमोट करने का काम किया जा सकता है, ठीक है। फॉर न्यू ड्रग डिस्कवरी इन अनदर कंट्री फेज फर्स्ट ट्रायल आर नॉट यूजली अलाउड टू बी इनिशिएटेड इन इंडिया, जब आप क्या करते हैं किसी ड्रग की डिस्कवरी करते हैं, ठीक है, किसी अदर कंट्री में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फेज फर्स्ट ट्रायल होता है, मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है, वह यूजली अलाउड नहीं होता है इनिशिएटेड इन इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल। हमने बताया कि क्या करेंगे, जब किसी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको अप्रूवल चाहिए तो आपको भरना रहता है, अगर आप इंडिया के हैं तो आप भरेंगे DCGI, जो DCGI को NDA फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आप USA के हैं तो आप क्या करेंगे, आप FDA को अपना जो फॉर्म है वह सबमिट करेंगे, ठीक है। तब अगर आपकी सब चीज़ें उसमें सही हैं, ठीक है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही है, आपकी केमिस्ट्री उसमें सही है, सभी चीज़ें आपकी वहाँ पे सही हैं, तो आपको क्लिनिकल ट्रायल के लिए वहाँ पे अप्रूवल दिया जाएगा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल कर देंगे। क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद अगर आपकी सभी गाइडलाइंस वहाँ फॉलो हुई है, सभी चीज़ें आपकी सही हैं, तो आपको मार्केट में उस ड्रग को लाने के लिए अप्रूवल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख लीजिए, यहाँ पे शेड्यूल वाई यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से परमिशन होते हैं न्यू ड्रग इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, एग्जाम में जरूरी है लिखना।
तो अब बात करते हैं अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग के बारे में। जो एप्लीकेंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, एक एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है इथिकल कमेटी को भरता है, और दूसरा जो होता है IND एप्लीकेशन फिलिंग टू CDSO हेडक्वार्टर को। ठीक है, यह क्या करेगा, CDSO हेडक्वार्टर को एक फॉर्म जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो IND एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल करके सबमिट करने का काम करेगा। फिर क्या करेगा, एग्जामिन बाय द न्यू ड्रग डिवीज़न। जो न्यू ड्रग डिवीज़न है वह क्या करेगा, उस ड्रग को एग्जामिन करेगा, फिर उसका डिटेल रिव्यू, जो इसका डिटेल रिव्यू कमेटी है INDA कमेटी जो है इसको रिव्यू करने का काम करेगी। फिर हमारा जो DCGI है इसको रिकमेंडेशन करने का काम करेगा। ठीक है, अगर आपकी सभी चीज़ सही हैं तो यह क्या करेगा, अप्रूवल दे देगा आपके क्लिनिकल ट्रायल के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो इथिकल कमेटी है, अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो 12 वीक का समय लेता है, उसके बाद आपको क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको वह भी क्या कर देगा, अप्रूवल दे देगा, आप क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं उस न्यू ड्रग का। फिर क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन टू CDSO। फिर क्या करेगा, जो हमारा CDSO है न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन कर देगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिव्यू बाय DCGI, जो हमारी DCGI है। ठीक है, अगर आपकी सभी चीज़ें कंप्लीट हैं तो DCGI क्या करेगा, आपको लाइसेंस ग्रांटेड कर देगी। अगर आपकी कंप्लीट नहीं है उसको रिफ्यूज्ड कर देगी, आप उसको फिर दोबारा करिए। तो हमारी ये जो यहाँ पे चीज़ें जो हमारी पूरी समाप्त हुई, तो आप इसको अगर चाहते हैं इसका PDF नोट्स, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।